इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्वर्णबाग कॉलोनी में आग लगाकर 7 लोगों को जिंदा जलाकर मार देने वाला आरोपी बीते 5 दिनों से जेल अस्पताल में भर्ती है, पर अब भी हादसे से जुड़े सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। जेल अधिकारी, सामान्य कैदी, जेल कर्मचारी उससे आते जाते सवाल करते हैं, तुमने आग क्यों लगाई? जब पुलिस ने पकड़ा तो हाथ पैर कैसे टूट गए? तुम्हारे कारण 7 लोग जिंदा कैसे जल गए? उनकी मौत का पश्चाताप है, पर आरोपी संजय उर्व शुभम या तो मौन रहता है या मां से मिलाने की जिद करता है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी भी जल्द से जल्द उसके हाथ व पैर के प्लास्टर कटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए वे रोजाना जेल के अस्पताल में आकर डॉक्टरों से हालचाल जानते हैं ताकि उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके। रोजाना कई पुलिसकर्मी उसे इस घटना के बारे में बातचीत करते हुए भी नजर आते हैं। उससे सभी एक ही सवाल करते हैं कि तुमने आग क्यों लगा दी? जवाब में संजय दीक्षित चुप ही रहता है। ज्यादा पूछने पर मां से मिलने की जिद करता है, किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा। जेल सूत्रों के अनुसार आरोपी को 5 दिन पहले विजयनगर थाने से कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ पर पूछताछ पूरी होने के बाद कोर्ट द्वारा उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सेंट्रल जेल में संजय दीक्षित की वर्तमान स्थिति में हाथ और पैर की हड्डियां टूटी थीं, इस कारण से उसे सेंट्रल जेल के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। वर्तमान में आरोपी संजय दीक्षित की स्थिति ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद आरोपी को सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अस्पताल में मौजूद स्टाफ कई बार संजय दीक्षित से घटना के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन संजय किसी प्रकार से जवाब नहीं देता है। वह केवल अपने बारे में कुछ लोगों से ही बात करता है। वहीं जब भी उससे पूछा जाता है कि घटना के बाद उसके हाथ पैर कैसे टूटे, तो वह मौन हो जाता है। कई बार जेल स्टाफ उससे यह भी बात करता है कि तुमने 7 लोगों को जिंदा जला दिया, क्या तुम्हें इसका पश्चाताप है? लेकिन संजय इस बारे में भी कुछ नहीं बोलता है। जेल कर्मचारी ने बताया कि आरोपी संजय दीक्षित कई बार परिवार से मिलने की जिद करता है, लेकिन घटना के कई दिनों बाद भी उससे मुलाकात करने कोई जेल में नहीं आया है। परिवार छोड़ने के बाद उसका परिवार से नाता टूट गया था, लेकिन वह अपनी मां को लगातार याद करता रहता है। 6 मई को इंदौर के स्वर्णबाग कॉलोनी की मल्टी में आग लगाने के आरोप में संजय उर्फ शुभम दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस अग्निकांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देना कबूल किया। बात क्या था तुम्हारा? आग तुमने लगाई? क्यों लगाई थी? क्यों लगाई बता भाई? लड़ाई हो गई थी। क्या प्यार करते तुम उससे? क्या प्यार मोहब्बत का लफड़ा था क्या? कितने सालों जानते थे उसको? एक साल से। पैसे का लेन देन था तुम्हारा कुछ? हाँ सर, मेरा से काफ़ी पैसे दे रहे हैं। काफ़ी पैसे दिए थे सर। उसने बताया कि वो मल्टी में रहने वाली एक युवती से प्यार करता था, उसी से विवाद के चलते उसने गाड़ी में आग लगाई थी। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में उसके हाथ पैर भी टूट गए। इसके बाद पुलिस उसे घायल हालात में देर रात एमवॉय अस्पताल लेकर पहुंची, जिसे आज पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।